असलमकुम आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि कौन से ऐसे चार कुदरती फल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं तो वज़न बढ़ाना और कम करना एक ही फार्मूले से होता है और वह है कैलोरीज इनटेक प्लस कैलोरीज बर्न यानी एक इंसान अगर कैलोरीज ज़्यादा ले रहा है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैलोरीज कम बर्न कर रहा है तो उसका वज़न ज़्यादा होगा या उसका वज़न आसा आता बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसी की जगह पर अगर एक इंसान कैलरीज़ कम ले रहा है और बर्न ज़्यादा कर रहा है तो उसका क्या होगा वजन कम होना शुरू हो जाएगा तो नॉर्मल पर्सन जो एक आम इंसान होता है उसको जो कैलरीज चाहिए होती हैं एक दिन में पंद्रह सौ से दो हज़ार कैलरीज़ चाहिए होती हैं उसके बाद चार ऐसे कौन से कुदरती फल हैं और मशहूर ज़माना फल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले आता है मैंगोज़ आम आजकल गर्मियों का मौसम भी चल रहा है और गर्मियाँ आने भी वाली हैं तो आम का मौसम शुरू हो जाना है तो अगर सौ ग्राम या हंड्रेड ग्राम अगर आप मैंगो लेते हैं या फ़र्ज करें कि अगर हंड्रेड ग्राम मैंगो है तो उसके अंदर हंड्रेड कैलोरीज़ क्या होंगी हंड्रेड कैलोरीज़ होंगी इसी तरह अगर आप एक दिन में तीन से चार मैंगोज खाते हैं तो आप क्या आपके अंदर जो कैलोरीज़ की मकदार है वो पूरी हो जाएगी बारह सौ से पंद्रह सौ कैलरीज़ उसमें होंगी तीन से चार मैंगोज में तो आप बारह सौ से पंद्रह सौ कैलोरीज़ अपनी बॉडी को दे के और वो अपनी जो मकदार है जो अमाउंट होती है आपकी कैलोरीज़ की वो पूरी हो सकती है उसके बाद आ जाता है ग्रेप्स अंगूर तो ये भी आम तौर पर चल रहे होते हैं आजकल गर्मी के मौसम में है। तो सौ ग्राम जो होते हैं वो ग्रेप्स में तकरीबन नाइन्टी कैलोरीज़ होती हैं तो अगर आप इसी तरह अगर कोई इंसान खाए तो वो तकरीबन पाव डेढ़ पाव तो ज़रूर लेता होता है तो उसमें भी तकरीबन फोटी फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड तक कैलरीज़ पहुंच जाती हैं उसकी तो उसके बाद आता है सपूटा सपूटा जिसको चीकू पंजाबी या उर्दू जुबान में सॉरी चीकू कहते होते हैं तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि इसमें कैलरीज़ नहीं होती या ये इतना कैलरीज़ वाला फल नहीं समझाता लेकिन इसके हंड्रेड ग्राम में तकरीबन एट्टी टू नाइनटी कैलोरीज होती हैं और इसमें भी बहुत सारा पोट पोटाशियम सॉरी पोटाशियम और सोडियम वगैरह होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है उसके बाद आया है बनाना जो कि तकरीबन हर एक सीज़न में मिल जाता है और बहुत ही मशहूर ज़माना फल समझा जाता है इसको तो इसके 100 ग्राम अगर कोई बनाना है तो उसके अंदर तकरीबन 120 कैलोरीज़ होती हैं तो ज़ाहिर सी बात अगर कोई इंसान या कोई शख्स वगैरह बनाना खाता है तो एक तो या दो तो नहीं खाएगा वो तकरीबन हाफ दर्जन तो ज़रूर खाएगा छः से सात जरूर खाएगा तो अगर वो छः से सात खाता है तो ज़ाहिर सी बात सात आठ सौ तो उसकी कैलरीज पूरी हो जाती हैं तो इसी तरह अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ये चार फल अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो आपका फल और आपका वज़न जो है ज़रूर ज़रूर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो लेकिन अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर इन चार फलों से ज़रूर ज़रूर दूर रहें वरना आपका वज़न कम नहीं होगा बल्कि मज़ीद बढ़ता जाएगा तो ये थी आज की हमारी वीडियो के चार ऐसे कौन से कुदरती फल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपना वज़न बढ़ा सकते हैं